गाइस, आज के इस वीडियो में मैं फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू सीरीज लेके। और इस सीरीज में हम लोग खेलने वाले हैं वन ब्लॉक का वर्ल्ड। यस, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन कोई बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने बेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। यस, तो जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और हमारा लाइक गोल होगा सिर्फ 20 लाइक्स का। आई होप सब लोग सपोर्ट करोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं पहला ब्लॉक तोड़ता हूँ तो मेरे साथ ये होता है, मैं नीचे गिर जाता हूँ। पता नहीं क्या ग्लिच था लेकिन कोई बात नहीं। मैं फिर से अपने बेस को एक्सपेंड करने लगता हूँ। पहले एक ब्लॉक लगाता हूँ जिससे मैं नीचे ना गिरूँ। तो कुछ इस तरीके से तो मैं माइन करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें मुझे कुछ बेसिक से सामान मिलता है, सॉरी फूड के लिए। यस, तो मैं फिर चेस्ट को माइन करता हूँ। फिर मैं अपनी माइनिंग पे ध्यान देता हूँ। फिर मैं अपने बेस को थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ जिससे मैं नीचे ना गिरूं। और मैं वापस आके माइनिंग करता हूँ जिसमें मुझे मिलती है एक सुपर चेस्ट। ये देखो कुछ, और इस सुपर चेस्ट में मिलते हैं मुझे एक डायमंड और एक गोल्डन पिकैक्स जो कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई। इसको मैं फिर माइन करता हूँ और मैं फिर जाता हूँ एक ऐसा काम करने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माइन करना। मैं फिर से माइनिंग करता हूँ, फिर अपने बेस को एक्सपेंड करता हूँ जिससे मैं अपने बेस को बड़ा बना सकूं। तो आगे चल के इस बेस को मैं इतना बड़ा बना दूंगा किसी ने सोची ना होगी। फिर तभी आती है हमारे बेस पे एक चिकन। तो इसका नाम हम लोग क्या रखें बता दो मुझे। तो मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ। फिर ये मैं फिर अपनी माइनिंग पर ध्यान देता हूँ। फिर मैं अपने सामान को चेस्ट में रख के कुछ बेसिक से टूल्स बनाने लगता हूँ जिससे मैं आगे चल के मुझे दिक्कत ना हो। टूल्स बनाने के बाद मैं फिर माइनिंग करने लगता हूँ। यस, फिर पता नहीं चिकन लग रहा सस्ते ना सके रखे, बार बार बीच में आके डिस्टर्ब करती है, मैं मारना नहीं उसको। लेकिन छोड़ो, हम अपने माइनिंग पर ध्यान देते हैं। माइनिंग करने के बाद मैं अपने बेस को देखने जाता हूँ कि कैसा बना था। मैंने बनाया था थोड़ा गिनना था, गिनने के बाद मैं वापस चलाता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कुछ सामान नहीं था। मैं फिर से माइनिंग करने लगता हूँ। भाई पूरी वीडियो माइनिंग की है लग रहा मैंने। फिर मैं अपने सामान को रखने जाता हूँ चेस्ट में कि मैं सामान को रख लूँ। फिर मैं कुछ बना के मैं बनाता हूँ, क्राफ्टिंग करने जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसको वापस करता हूँ तभी मगर चिकन मेरे से मर जाती है। लेकिन उसका रॉ चिकन मेरे पास है। लेकिन मुझे तभी ध्यान आता है कि इस चिकन ने तो एक एग दिया था जो कि उससे ही पड़ा हुआ। देखो तो मैं इसको उठाता हूँ और देखते हैं इसमें से चिकन निकलता है कि नहीं। 1 2 3 और ये निकल आया। ये मैं अपने मुर्गी को कुछ खिलाने के लिए ढूंढता हूँ तभी मुझे याद आता है कि चेस्ट में कुछ फीड मैंने रखी थी लेकिन मैं उसको नहीं खिलाने वाला क्योंकि अरे बच्चे थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ तो मैं उसको खिलाता हूँ कि तभी वो खा लेता है। लेकिन मैं ये खिलाता हूँ भाई, कंजूसी करनी पड़ेगी वरना मेरा सारा सामान खत्म हो जाएगा। मैं फिर माइनिंग करने लगता हूँ, नहीं सॉरी माइनिंग नहीं करता हूँ, मैं आगे जाके स्लैब प्लेस करने लगता हूँ। स्लैब प्लेस करने के बाद मैं जैसे ही वापस आता हूँ मैं फिर माइनिंग करता हूँ। ये पूरी वीडियो माइनिंग पे है तो तुम लोग सब्सक्राइब लाइक कर देना ठीक। तभी थोड़ी देर बाद मैं जब जॉय करता हूँ तभी देखता हूँ मेरे बेस पे एक जॉम्बी स्पॉन था। लेकिन मैं किसी का बच जाता हूँ। बचने के बाद मैं फिर से अपने बेस पे जाता हूँ। वहाँ पर जाके मैं अपने लिए कुछ सिक्योरिटी टाइप बनाने लगता हूँ जिससे मैं इन जॉम्बी से सिक्योर रहूँ। लेकिन ये चिकन पता नहीं बीच में ही को कर रही भाई, मर जाएगी हटिया। हाँ तो इसको हटाने के बाद हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं।
तभी ये पूरा बन के तैयार हो जाता है और मैं फिर से माइनिंग करता हूँ। लेकिन भाई इसमें माइनिंग ढंग से हो नहीं रही है, मुझे सामान नहीं मिल रहा, इसको ढंग से बनाओ यार। तभी फिर से मुझे एक और सुपर चेस्ट मिलती है जिसमें फिर भाई क्यों नहीं खुल रही चेस्ट। अरे भाई चेस्ट खुल जा खुल जा। हाँ तो ये भाई फ्रेंड्स सामने आ रहे हैं, ये खुल जाएगी अब फिर से वही चीज़ भाई। अरे भाई बड़ी गलत बात है। तभी मुझे शाम को एक बकरी मिलती है जिसके लिए मैं स्पेस बनाने के लिए जगह ढूंढने लगता हूँ। तभी मुझे याद होता है कि क्यों ना हम लोग उसी के बगल में बनाया था जिससे इनको ले जाना भी इजी होगा। तभी मैं अपने प्रो बिल्डर के आत्मा को बाहर निकालता हूँ, मैं बनाना शुरू करता हूँ। मैं बड़ा भाई डर्ट से बना, थोड़ा हॉट लग रहा है। तभी सामने मैं कुछ ऐसी चीज देखता हूँ जो नहीं देखनी चाहिए थी। सामने जॉम्बी स्पॉन हो गए, वो भी एक नहीं चार चार जॉम्बी। इनसे बचने के लिए मैं ऊपर को बिल्डिंग करने लगता हूँ, लेकिन ये जॉम्बी एक लेकिन पता नहीं एक जॉम्बी कैसे मुझे देख लेता है। और ये भाई कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट था भाई। को मारने के लिए मैं अपनी एक्स निकालता हूँ, वो क्रिटिकल हिट भी पड़ता है, लेकिन ये जॉम्बी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। देखो किस तरह मारेगा ये देखो, और ये मुझे नीचे गिरा देता है। और जॉन सीना की तरह भाई मेरा सारा सामान चला गया। लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ। फिर मैं देखता हूँ जैसे मैं दोबारा रिस्क ऑन होता हूँ कि यहाँ पर कोई एक भी जॉम्बी नहीं है, लेकिन वहाँ पर अभी भी सारे जॉम्बी मेरा इंतजार कर रहे थे। तो मैं पीछे जाके फिर से चढ़ जाता हूँ, लेकिन पता नहीं जॉम्बी क्या है भाई, इतनी दूर से देख लेते हैं। तो मैं जल्दी से कुछ डर्ट निकाल के ऊपर को बिल करके इनको मारने की प्रक्रिया चालू करता हूँ। लेकिन मुझे एक बार याद आती कि मैं क्यों ना इनका फूड जमा करूँ, लेकिन नहीं भाई मारना ही सीख जाएगा, डोंट टेक रिस्क। मैं पता नहीं क्यों बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। और मैं यहाँ पर वीडियो एंड कर देता हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने वीडियो चालू की थी खाली हाथ वैसे मैं एंड भी कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप तुम लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।